फिर से बता रहा हूँ, कुछ जगह होती है ना खाने से ज़्यादा उसके एम्बियंस के लिए होती है, दिस वन ऑफ दोस। पर जो केसर के जो टुकड़े आए ना मुँह में, ऐसा लगा मैं भी कोई राजा महाराजा हूँ। दूध और कोका कोला एक साथ मिल चुके हैं भाई। ये आप प्लेट देख रहे हो ना, ये भवानीपुर की पहचान है। अभी हम लोग कोलकाता में शर्मा टी स्टॉल पे, और यहाँ पे मिलती है क्लब कचौड़ी, बड़ी कचौड़ी, आलू की सब्जी, जलेबी, केसर वाली चाय। मुंह में पानी आ गया ना मेरे तो, खाने से पहले ही आ गया। आपको दिखाएंगे बहुत सारी चीज़ें इस वीडियो में, एंड तक देखना। स्टार्ट करते हैं भवानीपुर का खाना कोलकाता का। ये बड़ी कचौड़ी होती है, इसमें और क्लब कचौड़ी में क्या फर्क होता है? ये थोड़ा साइज बड़ा होता है। हाँ, साइज बड़ा होता है, छोटा होता है। एक प्लेट में कचौड़ी कितना आता है? ये आता है 4 पीस। और क्लब कचौड़ी कितना आता है? 5 पीस। वो 5 पीस आता है, ये 4 पीस आता है। तो ये तो फटाफट बनता जाता होगा दोपहर में, तो ऐसे निकलता होगा। हाँ। अभी बनाया, अभी निकला, अभी बनाया, अभी निकला, ऐसा ना? हाँ। ये दोपहर में मिलता है। तो ये बड़ा कचौड़ी कितने बजे तक चलता है? 9 बजे रात तक चलता है। और क्लब कचौड़ी कितने बजे तक चलता है? 12:30 बजे तक वो चलता है। अच्छा, और इसके अंदर भी दाल का पिट्ठी रहता है। यहाँ की खासियत है इनकी कचौड़ी, छोटी हो या बड़ी हो टेस्ट बहुत बढ़िया है। गई कचौड़ी, गई। अभी देखो नया बैच बन रहा है, अब टाइम देखा। इधर मल्टीटास्किंग देखो, इधर समोसे की सिकाई हो रही है, उधर कचौड़ियाँ बना रहे हैं। समोसे का निकालने का टाइम हो गया, अब अभी टाइम है कचौड़ी का, एक और बैच बनेगा। अभी आप घड़ी से टाइम देखना, मेरे हिसाब से आप 20 कचौड़ियाँ आराम से 2 मिनट में बना देते होंगे। अच्छा, इसमें और लूची में क्या फ़र्क रहता है? अच्छा, इसके अंदर दाल भरा है तो ये कचौड़ी हो गया, अगर दाल ना होता तो ये लूची रहता। और साथ में वो आलू की सब्जी के साथ मिलता है ये। अभी जलेबी भी मिलेगा? हाँ, अभी जलेबी नहीं मिलेगा इन्होंने। अब देखना गिनना, एक मतलब 8-10 पूड़ियाँ जितने में 1 मिनट में निकाल दी, और 1 मिनट में ये सीधा फूल जाएंगी। जितनी जल्दी इन्होंने निकाली ना, उससे ज़्यादा जल्दी लोगों को दिया खाने की, क्योंकि वेटिंग यहाँ पे पूरे टाइम लगी रहती है। भाई ये कोलकाता का ब्रेकफास्ट है, कोलकाता का लंच है, कोलकाता का डिनर है, कचौड़ी सब्जी। लो आ गया। क्या आलू का थोड़ा गाढ़ा सब्जी रहता है ये? आलू बैठ जाएगा, जम जाएगा। अच्छा, ताज़ा सब्जी है, तो रखी लाए। तो इसमें क्या प्याज लहसुन रहता है? प्याज लहसुन नहीं, नहीं रहता इसमें। एक प्लेट में 4 पीस आता है 50 रुपीस। हाँ, छोटा वाला कचौड़ी एक प्लेट में 5 पीस आता है 50 रुपीस। अच्छा, एक हमारा प्लेट लगा देंगे क्या? एक प्लेट लगा दीजिए। यहाँ पे रश इतना रहता है ना, हम लोग एक अपनी कस्टम प्लेट लगवा रहे हैं, कचौड़ी बड़ी वाली, एक जलेबी, गुलाब जामुन और सब्जी। अब और टेस्टिंग करते हैं, साथ में एक बाहर से चाय भी ले लेते हैं। अभी शर्मा टी स्टॉल पे आए हैं तो चाय पीना तो जरूरी है ना। तो आपका केसर वाले चाय का बड़ा तारीफ सुना है, ये देखो एक्स्ट्रा फूमी। और अभी यहाँ पे इसमें पड़ेगा केसर। भाई कलकत्ता का केसर वाला चाय के बड़े तारीफ सुने हैं तो सोचा वो खाते हैं। ये सबसे पुराना है ना शर्मा टी स्टॉल भवानीपुर में? चलो जी, हम लोगों ने अपनी यहाँ पे अपनी कस्टम प्लेट लगवा लिया शर्मा टी स्टॉल पे। और यहाँ पे देखो, ये है हमारे पास में बड़ी वाली कचौड़ी जो आपने बनते हुए देखी थी। 12 बजे के बाद ये मिलता है, और 12 बजे से पहले मिलती है क्लब कचौड़ी। मैंने इनसे फ़र्क पूछा क्लब कचौड़ी और बड़ी कचौड़ी में, कह रहे थे क्लब कचौड़ी जो होती है वो थोड़ी सख्त होती है। वैसे दाल की पिट्ठी दोनों के अंदर रहती है, अगर आप ध्यान से देखेंगे ना साबुत उड़द दाल के टुकड़े देखेंगे, ये थोड़ी सी सॉफ्ट रहती है बड़ी वाली कचौड़ी, और जो क्लब कचौड़ी होती है वो एकदम टाइट रहती है। और दोनों के साथ ही ये आलू की सब्ज़ी मिलती है, इसके अंदर प्याज लहसुन पड़ता ही नहीं है, सिर्फ आलू की सब्जी और कुछ खड़े मसाले। साथ में हम लोगों ने जलेबी लिया, गुलाब जामुन लिया, और हम लोगों ने लिया इनकी केसर वाली चाय। एक एक करके सारी चीज़ें टेस्ट करेंगे, पहले वाली कचौड़ी और आलू की सब्ज़ी की। कचौड़ी और आलू की सब्ज़ी बारिश में मिल जाए ना, मज़ा आ जाता है। अभी साथ में लेते हैं जलेबी की एक बाइट। जलेबी एकदम बढ़िया भाई, बहुत हैवी हो जाएगा गुलाब जामुन। पहले चाय ले लेते हैं फिर गुलाब जामुन की एक बाइट लेंगे। केसर वाली चाय का चलन ना कोलकाता में है, आपको जगह जगह पे मिलेगी चाय। स्पेशल चाय आमतौर पे अलग अलग दिल्ली के कोनों में और इंडिया के कोनों में मिलती है, जो सिर्फ दूध वाली होती है। यहाँ पे स्पेशल चाय मतलब केसर वाली चाय तो बढ़िया है ही, चीनी कम मेरे हिसाब की, जैसे मेरे को पसंद है। पर जो केसर के जो टुकड़े आए ना मुँह में, ऐसा लगा मैं भी कोई राजा महाराजा हूँ।
मज़ा आ गया। और अब एक टुकड़ा खाते हैं हम लोग गुलाब जामुन का, इस मील को एंड करते हैं और फिर बढ़ते हैं अगली दुकान पे, क्योंकि भवानीपुर में खाना बहुत है तो कुछ कुछ चुनिंदा चीज़ें बेस्ट ऑफ द बेस्ट, जैसे वेजी भाजी भी आपको दिखाते हैं अलग अलग जगहों की, तो वो दिखानी है आपको। साथ में ही मेरे पीछे आपको दिख रहा होगा बैकग्राउंड में गुरुद्वारा, गुरुद्वारा यहाँ पे लैंडमार्क है। गुरुद्वारे से लेफ्ट में है शर्मा टी स्टॉल और बिल्कुल सीधा निकल जाएंगे तो अभी आपको दिखाएंगे। अगर ये वीडियो मम्मी पापा देख रहे हैं तो बोलेंगे ये क्या कर रहा है हमारा बच्चा, चाय के साथ दूध वाली चीज़ पे रहा, वो भी ऐसे। पर क्योंकि साथ में ये आपको वीडियो के लिए दिखाना है, मिस नहीं करनी वो चीज़, बहुत फेमस है। बलवंत सिंह पर चलते हैं, इसको खा के दूध कोला दिखाते हैं। भाई टेस्ट एकदम बढ़िया, गुलाब जामुन एकदम सॉफ्ट। भाई कोलकाता वालों को ना अपनी मिठाइयाँ बनानी आती है, ये मैं समझ चुका हूँ। इस वीडियो को आगे लेकर चलते हैं, बलवंत सिंह के पास पहुँचते हैं और वहाँ का टेस्ट आपको चखाते हैं। अभी आपने पीछे जो देखा ना वो शर्मा टी स्टॉल था, लैंडमार्क है यहाँ पे गुरुद्वारा। गुरुद्वारे से पहले आओ दर्शन करो, दो मिनट इधर शर्मा टी स्टॉल कचौड़ी वगैरह खाओ और दो मिनट इधर बलवंत सिंह, यहाँ पे पियो दूध और कोका कोला एक साथ। जी अलग अलग नहीं, एक साथ। और यहाँ पे पियोगे तो मम्मी डांट भी नहीं लगाएगी क्योंकि इनकी सिग्नेचर डिश है, सब आके पीते हैं। इनके दादाजी ने स्टार्ट किया था, क्यों किया था, क्या बेनिफिट है और क्यों लोग आके पी रहे हैं, आके समझते हैं मैं और आप दोनों एक साथ। ये अभी आप लगा रहे हैं दूध कोला, अभी दूध को चीनी मिलाया। अच्छा, अभी दूध में सिर्फ चीनी मिलाया। बड़ी फेमस है कोलकाता में, आपको देखने में थोड़ा लग रहा होगा कि दूध और कोला एक साथ, पर बहुत दूर दूर से आके लोग पीते हैं दूध कोला। क्या रुपए ग्लास रहता है ये? एक लीटर लगभग होता है 200 रुपया। अच्छा, लीटर के हिसाब से मिलता है ये। ये चीज़ जो है ना ये कोलकाता में बहुत फेमस है। बलवंत सिंह पे आए हैं अभी हम लोग भवानीपुर में, दूध में चीनी नॉर्मल, दूध चीनी बर्फ वेरी नॉर्मल, दूध चीनी कोका कोला, मम्मी से डांट पड़ेगी बट कोलकाता में आके चल जाएगा। और ये देखो एक सेकंड, वो बचपन में मिलती थी ना, अभी तो हम तो दिल्ली में रहते हैं हमें तो दिखती भी नहीं है कांच वाली बॉटल, इनके पास होती है एक कांच वाली बॉटल। ये दूध के अंदर पड़ रही है थम्सअप। ये कॉम्बिनेशन की ना मैं कहानी समझना चाहूँगा, मैं यहाँ के ओनर से समझता हूँ कैसे आई ये शुरुआत में। दूध और कोका कोला एक साथ मिल चुके हैं, मानो कि कुंभ मेले में भाई बिछड़े हो और बलवंत सिंह पे आगे मिल गए हो। Let's try. दूध की नेचुरल मिठास है और थम्सअप की फिजीनेस है। फर्स्ट टाइम जब मैंने आज से 5 साल पहले ट्राई किया था बहुत वियर्ड लग रहा था, बट उस 5 साल के दौरान मैं अमृतसर जाके आ चुका हूँ और फिर मेरे को पता चला पंजाब में दूध सोडा पीते हैं। इसकी वैरायटीज अलग अलग शहरों में अलग अलग तरीके से पीते हैं। दूध और सोडा फिजीनेस और स्वीटनेस, नाइस। इसकी समझते हैं ओनर से कहानी कैसे ये ओरिजिनेट हुआ, लेट्स अंडरस्टैंड। तो मैंने इनके स्टाफ से कहानी समझ ली है कि क्या है दूध कोला की कहानी। भाई को पिलाते हैं और साथ साथ में मैं आपको कहानी बताता हूँ। चीयर्स करते हैं पहले दूध और कोका कोला का, बताओ क्या क्या होता है रिक्वायरमेंट। चलो चीयर्स। कैसा है? नॉट माय डे। अब ये जो आपको कहानी बताऊँ इसकी क्या है, ओनर के दादाजी ने स्टार्ट किया था कि एक्सपेरिमेंट करा था कि दूध और कोला ऐसे घर में भी बना करते हैं एक साथ नहीं पीना कि फट जाता है, तो उन्होंने बोला चलो ट्राई करके देखते हैं कैसा रहेगा और शायद डाइजेशन के लिए अच्छा हो, तो उस हिसाब से उन्होंने स्टार्ट किया था, ऐसा उन्होंने बताया है। डजंट नेसेसरीली मीन कि आई बिलीव इन दैट थ्योरी, बट दैट वॉज द थ्योरी जो उन्होंने मेरे को बताई। दुकान के वहाँ पे देखोगे नियरिंग 100 ईयर्स, बहुत ही ऐसे है कि आपको अपना ओपिनियन बनाना पड़ेगा, अपनी सोच बनानी पड़ेगी। वेजी भाजी पे हम लोग आपको वो चीज़ें दिखाते हैं जो शहर में जमी हुई है, 100 साल से कोई चीज़ जमी हुई है। आओ ट्राई करो और अपना खुद का ओपिनियन बनाओ कि मेरे को समझ आ रही है कि नहीं आ रही। अब ऐसी एक और अलग जगह पे आपको लेके जाते हैं, थोड़ा सा 1 किलोमीटर दूर निकलेंगे और आपको दिखाते हैं वो क्या अलग चीज़ है, और वहाँ पे तो बहुत ही अलग चीज़ें हो रही है। लेट्स गो देयर। भाई भवानीपुर से थोड़े से डिस्टेंस पे ही है केमिक स्ट्रीट और अभी हम लोग आए हैं जेल का खाना खाने, कैदी किचन में आए हैं। जगह का नाम है वो बचपन में खेलते थे ना पोशम्बा, भाई पोशम्बा जेल की रोटी खानी पड़ेगी, तो अभी खा रहे हैं जेल की रोटी नहीं जेल का विदेशी खाना खा रहे हैं। ये देखो इन्होंने थीम भी ऐसे बना रखी है, ये देखो हथकड़ी लगा रखी है। और ऊपर जाएंगे ना अंदर जाएंगे, आप एक बार चलो अंदर आपको दिखेगी, इसमें रहते ना उनके सेल प्रिजन सेल, अंदर देखो आपको मिलेगा।
अब हमारी ऑफिशियली एंट्री हो चुकी है जेल के अंदर। कैदी किचन नाम है जगह का। और वाइफ देखिए इनकी, ये देखो यहाँ पे पहले ये दिखाता हूँ, ये बड़ा वाला सेल है, इसमें ऐसे इन्होंने बना रखा है। फिर से बता रहा हूँ, कुछ जगह होती है ना खाने से ज़्यादा उसके एम्बियंस के लिए होती है। दिस वन ऑफ दोस्त। खाना अपना ऑर्डर करते हैं, खाना ऑर्डर भी करेंगे, किसी कैदी से ऑर्डर करेंगे खाना। इन्होंने पूरा ऐसे ना थीम बना रखा है ना, तो एक पुलिस की कॉस्ट्यूम में, एक कैदी कॉस्ट्यूम में है सब। आप ऐसा करिए, एक क्रीम चीज़ वाला डिमसम कर दीजिए और एक आप कर दीजिए कॉर्न चीज़ बॉल्स, ठीक है। ये जगह की वाइब के लिए आए हम लोग। खाना तो हम लोग क्योंकि वेजी बाजी है तो खाना आपको दिखाएंगे, बट वाइब है। जेल का दरवाजा खुल गया। आज का खाना बस इतना ही है। ये हाई फाई कल मिलेगा। ये नहीं नहीं एक और बचा है, वो मेरा है। दो कैदी है ना, दो खाना। ये है क्रीम चीज़। यार भाई ये तो बहुत सही लग रहा है। और ये देखो यहाँ से चीज़ ऊज आउट कर रही है, साथ में आई थिंक इन्होंने सालसा और सार क्रीम दिया है। ऐसे थोड़ा कैफे स्टाइल खाना मंगवाया हम लोगों ने। क्रीम चीज़ डिमसम, थोड़ा हाई फाई वाला जेल है। दाल रोटी से अपग्रेडेड वर्जन क्रीम चीज़ ऊपर तक पहुंचे ना। लो भाई खाना स्टार्ट करते हैं। क्या क्या एक्सपीरियंसेस आ गए आजकल भाई। इंडिया है ये, एडवांसिंग। ये मेरे को याद है इंदौर की गलियों में ऐसा मैंने पहले चीज़ एक्सपीरियंस करी थी कि अब फूड से हट के आपको एक्सपीरियंसेस भी देने की ज़रूरत है। तो ये कैदी किचन इज़ एन एक्सपीरियंस। ओए वो जैसे अमेरिकन चीज़ होती है ना, और कॉर्न चीज़ बॉल्स, थोड़ा सा सालसा के साथ लेके देखते हैं। लेट्स हैव अ टेस्ट ऑफ इट। कैदी किचन में अच्छा भाई, लोडेड विद चीज़, मुझे पसंद आया। वाइब वाली जगह होती है ना, कि जैसे दोस्त वगैरह के साथ आ रहे हो, कॉलेज के बच्चे, यूथ वगैरह। दोस्तियों के साथ है ना। आई थिंक दोस्तियों के साथ जेल में तो कोई नहीं आना चाहेगा। और ये भी हम लोगों ने लिया क्रीम चीज़, इसके अंदर मैस्कपोन चीज़ थी। ओह नाइस, दिस विल ऑल्सो बी एन एक्सप्लोजन इन माउथ विद चिली सॉस। मज़ेदार, चीज़ ओवरडोज हो गया। आई थिंक हमारा जुर्म ये है कि हमने इतनी चीज़ी डिशेस मंगवाई है, इसलिए हम लोग जेल में बंद हैं। आपसे बात करते हैं किसी और वीडियो में जब हम लोग बाहर आएंगे। तब तक आप सब्सक्राइब कर दो चैनल को वेजी पाजी। बात करेंगे किसी और वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर।